सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर लाल किले से भयंकर गरजे मोदी। लाल किले में सामने बैठे थे सीजेआई चंद्रचूड़। भयंकर दहाड़े हुए मोदी ने नए कानून का कर दिया ऐलान, सभी हो गए हैरान। संविधान निर्माता, नीति निर्देशक तत्व सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी ने यूसीसी पर पूरी पिच तैयार कर दी। समान नागरिक संहिता का पिच तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से साफ संकेत दे दिए कि उनकी सरकार देश में यूसीसी लाने की तरफ कदम बढ़ाने जा रही है। पीएम ने संविधान निर्माताओं, संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि देश में भेदभाव वाले कानून लागू नहीं कर सकते। बता दें कि भले ही बीजेपी इस बार लोकसभा चुनावों में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी हो, लेकिन उसने अपने कोर एजेंडे को नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी ने अपनी तीसरी सरकार के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में साफ संकेत दिया है कि अब देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ेगा। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अपने संबोधन में साफ कहा कि यूसीसी आज देश की मांग है। पीएम ने मौजूदा सिविल कोड को सांप्रदायिक बताते हुए कहा कि देश किसी ऐसे कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो धार्मिक आधार पर विभाजन का कारण बने। पीएम ने संविधान निर्माताओं, संविधान और सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का हवाला देकर कहा कि देश को ऐसे भेदभावकारी कानूनों से मुक्ति लेनी ही होगी। पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में देश में यूसीसी लागू करने का निर्देश दिया। पीएम ने इन बातों को साफ किया कि मोदी सरकार 3.0 देश में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। साथियों, विकसित भारत 2047 सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखे 2047 विकसित भारत के लिए। कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया, कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटी ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा
विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और यह भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन बता दें कि प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की, अनेक बार आदेश दिए। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सचमुच एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। कहा कि हम संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व सरकार पर छोड़ते हैं। पीएम बोले कि जब हम संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना जो हमें करने के लिए कहती है, देश का सुप्रीम कोर्ट भी हमें करने के लिए कहता है और संविधान निर्माताओं का जो सपना था उस सपने को भी पूरा करने का दायित्व हम सब पर है। मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचार लेकर आए। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लागू नागरिक कानूनों को सांप्रदायिक बताया। पीएम ने कहा कि अब देश में धर्म निरपेक्ष समान नागरिक संहिता लागू हो। अनुच्छेद 370 राम मंदिर के साथ यूसीसी भी बीजेपी कोर एजेंडे में शामिल हो। पीएम मोदी की इस दहाड़ पर आप क्या कहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।